हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत होंगे। मैं फैज इकबाल आपका नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये संडे जो है पहला संडे है जो कि रमजान पड़ा है, तो क्या है कि दिल चाह कि आज खुद से अफ्तार और खाना जो रात का वो खुद से बनाए, इसीलिए अपने से जाकर हम खुद फल ले लिए। और आज आयशा लोग भी आई हुई है, फिर कल चली जाएगी। अभी देखिए, जब से आई है सिर्फ खेलने में ही मशगूल है। देखिए क्या बनाई है, ये घर बनाई है। ये क्या बनाई हो, इधर देखो खाल, खाल। अच्छा तुम रोजा भी रखी हो आयशा, कितना? अच्छा अनस तुम रोजा रखे हो? हाँ। कितना रोजा रखे हो बेटा? आज रखे हो? आज हाँ, दो रखे। आज दो, आज रखे हो? हाँ, दो रखे। और सुबह से कुछ खाए भी, नाश्ता किए? हाँ। क्या देखिए, रोजा भी रखा है और नाश्ता भी कर लिया। आयशा आयशा तुम रोजा रखी हो? ये देखिए घर बना है आयशा का। गिरा दे बेटा, गिरा देते आयशा का घर। तो चलते हैं फिर कुकिंग करने। ये सारा फ्रूट्स है, इसको अभी अच्छे से धो लेंगे और फिर असर के बाद नमाज पढ़ के आएंगे तो सारा कट करेंगे। इसको पहले साफ से धो लेंगे तब फिर कट करेंगे नमाज पढ़ने के बाद असर के। और इधर जो सीन है वो आज बिरयानी का सीन है, क्योंकि सुमी आई है, आयशा लोग आई है। आयशा को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो क्या है मैरिनेट करने बोल दिए थे घर में। ये देखिए पूरा चिकन जो है वो 3 kg चिकन है, मैरिनेट करने बोल दिए थे। ये चिकन मैरिनेट हो रहा है और इधर आलू जब तक फ्राई कर लेते हैं। ये सारा सीन चिकन सब, ये बिरयानी सबसे पहले रेडी कर लेंगे, फिर उसके बाद अफ्तार का प्रिपरेशन करेंगे। अभी अफ्तार में अप्रॉक्स 3 घंटा है टाइम, तो अफ्तार बनाने का सबसे पहले सिलसिला चना से ही करते हैं। चना को जो है वो फ्रेश एकदम धो लिए हैं, देखिए एकदम साफ से पूरा अच्छे से धो लिए हैं एकदम। तो सबसे पहले चना डालते हैं। दूध क्या है, फट गया था कल रात में, तो सुमी देखिए कितने अच्छे से पनीर तैयार कर दी है दूध का। आज इसी का पनीर पकौड़ा बनाएंगे। माशाल्लाह पनीर जो है देखने में एकदम अच्छा लग रहा है। ये सारा मसाला इसमें मिक्स कर दिए, अब इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे। देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह से ऊपर से नीचे तक व्हाइट पेन के, घर में सुबह से बेचारे आराम फरमा रहे हैं काफी मेहनत के साथ माशाल्लाह। सारा मसाला खूब अच्छे से मिक्स करके अब इसको मिला देते हैं, फिर इसमें पानी डालकर फिर इसमें सीटी लगा देंगे। पानी जो है इसमें मिला दिए अच्छे से, जितना सा पानी नीट चाहिए, फिर क्या है सीटी लगेगा तो पानी जो है इसमें सूखेगा। कुकर को अच्छे से बंद कर देते हैं, कुकर को अच्छे से बंद कर दिए। इधर जो है बिरयानी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, इधर अपना चिकन तैयार कर रहे हैं और इधर बिरयानी के लिए पानी, चावल इसी में तैयार करेंगे, तो दोनों को तैयार करते हैं। और इधर चना हो रहा है, इधर जो है वो चना हो रहा है। दीनदारी की बात सीखनी है अगर तो आप हैदर भाई से सीख सकते हैं, लेकिन क्या है सुबह से न जुहर का न असर किसी भी टाइम का नमाज जो है हैदर भाई के पाले नहीं पड़ा है, लेकिन दीनदारी की बात माशाल्लाह क्या शीश कैसा बोलता है दीनदारी की बात। दीनदारी की बात हैदर के से कोई सीखे मत पूछिए, एक वक्त का नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है हैदर भाई को सब पता है। लेकिन देखिए अनस भी झांक के देख रहा है। फाहम और इकरा सो रही थी, इस टाइम से इकरा आई है सो ही रही है, कल रात को आई थी सो ही रही है, और फाहम देखिए जग गया है काफी देर बाद। क्या बेटा इकरा तुम रोजा रखी हो? बेटा इकरा रोजा रखी हो? बोलो 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 रोजा रखी हो? अच्छा हाँ या ना बोलो, रोजा रखी हो इकरा? रोजा रखी हो बेटा? नहीं बोल रही, अभी सो के उठी है, मूड सही नहीं है। प्याज को जो है पूरा काट लेते हैं ये चॉपर से एकदम बारीक, प्याज को खूब अच्छे से चॉप कटर से काट लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह प्याज काफी अच्छे से कट रहा है, ये देखिए प्याज एकदम बारीक बारीक चॉप कटर से। तो फल को काटना अभी स्टार्ट कर दिए क्योंकि टाइम फिर ज्यादा बचेगा नहीं, असर के बाद जरा सा भी टाइम बचता नहीं है। पपीता देखिए एकदम अच्छा पका, बीच से काट कर देखते हैं कैसा है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये देखिए फ्रेश माशाल्लाह। क्या फल को जो है
वो काट काट के इधर ही रख रहे हैं, फिर लास्टली जो है काटने के बाद धोएंगे सारा। अब तरबूज काटते हैं, देखते हैं तरबूज लाल अंदर से निकलता है कि नहीं निकलता है। ओह माशाल्लाह, क्या तरबूज है, देखिए दिल खुश हो गया तरबूज देखकर, माशाल्लाह। सारे फल को काट के इधर रखते हैं, फिर सबको एक बार अच्छे से धो लेंगे। तरबूज माशाल्लाह एकदम रेड है, पर इधर जो है पकौड़ी का सारा सीन है। देखिए पूरा दाल को प्याज को सारे को मिक्स करके इसमें कुछ मसाला भी ऐड करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। तरबूज माशाल्लाह कट गया है, सारे फल को जो है वो धो लिए। अब धोकर इसको काट लेते हैं, इसको भी धो लिए, ये भी धो लिए, धोकर इसको सारे को काट के अच्छे से सजा लेते हैं। और ये सेब कट रहा है। इधर जो है फाइनली गोश्त रेडी हो गया है, इधर चावल अब होने वाला है। चावल को जो है एक घंटा सोक करने के लिए छोड़ दिए थे, फिर अब गोश्त हो जाएगा, फिर चावल भी हो जाएगा, दोनों को मिला के और दम पर लगा देंगे। तो फाइनली फल जो है वो पूरा कट के तैयार हो गया है। ये देखिए ये पूरा पपीता और ये केला है, ये नींबू, ये सारा फल। और इधर जो है ये शरबत, चीनी इसमें तैयार कर रहे हैं शरबत के लिए, आयशा तैयार कर रही है। इधर बैंगनी पकौड़े का सीन है, ये बैंगनी पकौड़ा बेसन में डाल के इसको फ्राई करके इधर रख रहे हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बैंगनी पकौड़ा जब रेडी हो जाएगा तब फिर ये प्याज पकौड़ा तैयार करेंगे। ये रेडी है, बस इसको फ्राई करना है। नीचे जो है ज़्यादा जगह है नहीं, तो यहीं पे हम लोग बिछा कर यहाँ अफ्तार करेंगे। हमेशा यहीं करते थे, ये चादर और चटाई लाए हैं, इसी को जो है वो यहाँ बिछाएंगे और यहीं पे खुले आसमान में अफ्तार करेंगे। ये देखिए हम लोगों के सामने पहाड़, ये कब्रिस्तान, यहीं पे बिछाते हैं सारा, पूरा यहीं पे बिछा दिए, यहीं पे अफ्तारी करेंगे। यहाँ से वहाँ तक इंशाल्लाह सारे लोग यहाँ पे सेट हो जाएंगे। रेहान भाई बिछाएं, चलते हैं अब सारा सामान लेकर आते हैं नीचे से, जा रहे हैं पहला अफ्तार जो है पहले मस्जिद में देकर आते हैं। हम और रेहान भाई जाते हैं मस्जिद अफ्तार देने के लिए। रेहान भाई जो है हमेशा कॉपरेट में आगे रहते हैं माशाल्लाह। ये पहुँच गए मस्जिद हम लोग, ये हम लोगों की मस्जिद, यहीं हम लोग नमाज और तरावी अदा करते हैं। अभी नीचे काम चल रहा है, ऊपर हम लोग पढ़ते हैं और इधर इमाम साहब लोग रहते हैं, यहीं रहते हैं हम लोगों के मौजिन साहब और इमाम साहब। ये मौजिन साहब हैं मेरे और इमाम साहब कहीं काम से गए हैं। ये अफ्तार है मौजिन साहब और इमाम साहब का। ठीक है मौजिन साहब आते हैं, फिर अफ्तार लेके आ गए ऊपर। यहाँ देखिए हवा से फिर हट गया, फिर अच्छे से बिछा लेते हैं। पर अफ्तार लेते आए, फल है और ये देखिए और ये पकौड़ी है, और इधर एक्स्ट्रा फल बच्चे के लिए है और इसमें बैंगनी पकौड़ी है, और इधर ये चटनी और शरबत हैदरवाई जो है वो लेके आ रहे हैं। अब अफ्तार में ज़्यादा देर है नहीं, सब हम लोग बैठ के दुआ करेंगे। घर बैठे हैं और देखिए बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी पूरा उधर बैठा है और इधर शरबत है। ये देखिए रूह अफजे का शरबत, ये रूह अफजे का शरबत है और इधर रसने का शरबत, इसी गिलास में निकाल के देंगे। बस ये लास्ट, इसके बाद पूरा भर जाएगा सबको। उधर शीश भाई उधर पास कर दिए तो सबको कुछ वक्त है, हम लोग सब मिलके दुआ कर रहे हैं। हैदर भाई मेरे लिए भी दुआ कर देंगे। इधर बच्चा
बच्चे का अवतार चल रहा है। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो, देखो अनस कितना अच्छा बच्चा है। इंशाल्लाह अफ्तार हो गया और अफ्तार के बाद देखिए ये एकदम गर्मा गर्म चाय, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बस ये चाय पियेंगे और बिरयानी जो है तब तक दम पे दिए हुए हैं और हैदर भाई तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। बिरयानी जब तक दम पे दिए हुए चाय पियेंगे फिर जाके बिरयानी चेक करेंगे। बस पढ़ के जा रहे थे तो दम लगा कर गए थे, ये देखिए कम आँच में लगा के छोड़ गए थे और देखते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए एकदम सॉलिड, बहुत अच्छा। सबसे पहले इमाम साहब और मौजिन साहब का खाना निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। चलिए क्या होगा, इमाम साहब मौजिन साहब को जल्दी सोना होता है क्योंकि फजर के टाइम भी फिर उठेंगे और काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है रमज़ान में, तरावी पढ़ाते हैं। तो ये दो टिफिन है इमाम साहब और मौजिन साहब का, जल्दी से निकाल के फिर पहुँचा कर आते हैं, तब फिर हम लोग खाएंगे इंशाल्लाह। ये छोटा बाबू आ गया था इमाम साहब का टिफिन लेने के लिए, जल्दी से वो लोग खा लेंगे। तो ये हम मेरा खाना निकल गया और ये हैदर भाई का, और हैदर भाई जो हमेशा देखिए सबसे अच्छा पीस, ये देखिए लेग पीस कहाँ पर छुपा के रखे हैं, दिखाई भी नहीं देगा, आदमी को लगेगा सिर्फ चावल नहीं, ये देखिए लेग पीस छुपा के रखे हैं। बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज आदमी है, अभी से हैदर भाई, अभी तो शादी भी नहीं हुआ, ये देखिए लेग पीस छुपा के रखे थे इन्हें कि बड़े भाई को यहाँ प्लेट में सर्व कर दें। चलिए कोई बात नहीं, बड़े भाई का नाम ही होता है सेक्रीफाइस, हम इसी से बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए ये मेरा प्लेट है, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त हैदर भाई जो लास्ट में तड़का दिए थे ना बिरयानी में, स्वाद खुल गया, मजा आ गया। तो हम भी जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि फिर जाना है सुमी को पहुँचाने इस्लाम नगर, तो फिर हमको भी आना है क्योंकि फिर कल अनस का क्लास है स्टार्ट। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग चैनल को बेपनाह सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, बाय, टेक केयर। तो टेक केयर बोलना चाह रहे हैं और जुनैद भाई, हाँ जुनैद, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मिलते हैं तब नेक्स्ट व्लॉग में।